केन्द्र शासित प्रदेश दमण में खेडूतों माटे तालीम शिबिर आयोजन करायुं। कचीग्राम खेडूत ट्रेनिंग सेंटर में योजायेल कार्यक्रम आरंभ कृषि नियामक प्रांजल हजारीका जिला पंचायत प्रमुख बाबूभाई पटेल द्वारा करवामां आव्युं हतुं। भारत सरकार देश में 10,000 થી વધુ ખેડૂત ઉપજ સંગઠન બનાવી રહી છે। દમણ અને દાદરાનગર હવેલીમાં પણ આ એફપીઓએસ બનાવવામાં આવશે। રાષ્ટ્રીય સહકારી વિકાસ નિગમની ગાંધીનગરના પ્રોગ્રામ અધિકારીઓ દ્વારા આ વિષય ખેડૂતોને તાલીમ આપવામાં આવી હતી। કાર્યક્રમમાં ખેડૂતો સાથે પંચાયતો સભ્યો અને સરપંચો પણ હાજર હતા। ट्रेनिंग दी थी कि गई थी वो एफपीओ जो रिलेटेड स्कीम है गवर्नमेंट की उसके लिए थी कि एफपीओ बना के कैसे किसानों का उद्धार किया जा सकता है, उनकी इनकम को कैसे डबल किया जा सकता है। क्योंकि जो किसान होते हैं वैसे वो इंडिविजुअल बेसिस पर काम करते हैं, उन्हें इतना वो अपना खुद भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाते पैसे की कमी की वजह से। तो जो गवर्नमेंट की स्कीम है कि एक उनको संगठित किया जाए, एक एफपीओ बनाया जाए, उनका कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट होगा, गवर्नमेंट का भी साथ में कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट होगा, उससे वो टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं और अपने प्रोडक्शन को डबल कर सकते हैं और इसी तरीके से अपने आय को डबल कर सकते हैं। ये उसी के रिलेटेड स्कीम का एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज ये दिया गया था जिसमें काफी किसानों ने पार्टिसिपेट किया है।